हे गाइस, आप सभी का मेरे चैनल टीजे वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपके लिए मिडिल ईस्ट की बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड रेसिपी लाई हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और क्रिस्पी होता है और साथ ही साथ प्रोटीन से भरपूर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फलाफल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक कप काबुली चने को एक चम्मच बेकिंग सोडा के साथ रात भर भिंगो लेना है। इसके बाद हमें एक कप भिंगोए हुए काबुली चने ले लेने हैं, एक बारीक कटा प्याज, 7 से 8 लहसुन की कलियां, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्च चम्मच करके जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच और नमक स्वाद अनुसार। इसके बाद हमें इन सभी चीज़ों को दरदरा पीस लेना है। इसके लिए मैं पहले इसमें प्याज डालूंगी, इसके बाद लहसुन, फिर हरा धनिया, हरी मिर्च, फिर काबुली चने और बाद में सूखे मसाले। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इसे हमें महीन नहीं पीसना है, दरदरा पीसना है। ग्राइंडर में पीस लेने के बाद अब हमें अपने हाथों को तेल से चिकना कर लेना है और फलाफल बनाना शुरू करना है। इसे हमें एक चपटा आकार देना है। देखिए मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, इसी तरह का शेप आपको भी देना है। मैं यहाँ पे 6 फलाफल बना के तैयार कर ले रही हूँ। ये स्ट्रीट फूड मिडिल ईस्ट की है, वहाँ के लोग इसे बड़े चाव से खाते हैं। जनरली हम अपने बच्चों को नई नई चीज़ बना के खिलाते हैं। इसे हम अपने बच्चों को इवनिंग स्नैक्स की तरह दे सकते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन से भरपूर होता है और बच्चे भी बड़े मज़े से इसे इंजॉय करते हैं। इसके बाद हमें इसे 1 घंटे तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना है। नेक्स्ट हमें पैन को प्रीहीट कर लेना है और उसमें तेल डाल देना है। तेल गरम हो जाने के बाद एक एक करके हमें इसमें फलाफल डालते जाना है और इसे शैलो फ्राई करना है। यहाँ पे हमने कम ऑयल का यूज़ किया है और इसे शैलो फ्राई कर रहे हैं और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे धीमी आंच में पका लेना है। वैसे तो फलाफल बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें आपको पूरे इंग्रेडिएंट्स को लेके पीस लेना है और फलाफल का शेप देके आपको तेल में तल लेना है। हमारा फलाफल तभी क्रिस्पी और टेस्टी बनता है जब हम इसे धीमी आंच में 5 से 7 मिनट तक एक तरफ पकाते हैं। एक तरफ जब हमारा पक जाता है तो हम इसे अब चेक कर लेंगे और देखेंगे कि यह गोल्डन ब्राउन हुआ है कि नहीं। देखिए हमारा फलाफल अब गोल्डन ब्राउन एक तरफ से हो गया है। अब हम इसे टर्न कर लेंगे और दूसरी साइड से भी 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच में इसे पका लेंगे। देखिए यह दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम अपने गैस को ऑफ कर देंगे। इसकी प्लेटिंग मैंने इस तरीके से की है। यह खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बना है। इसे आप गरम गरम हरी पुदीने चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इस बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी।